नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोर सिटी। खेल समाचारों में आपका स्वागत है। कोरोना महामारी के बाद दिल्ली के अखाड़ों में फिर लौटेंगी रौनक। लगभग 3 साल बाद दिल्ली रेसलिंग एसोसिएशन भारतीय शैली द्वारा गुरु मुन्नी अखाड़े में मासिक इनामी दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें सबसे बड़ी कुश्ती के विजेता बने संजय को दिल्ली रेसलिंग एसोसिएशन भारतीय शैली के अध्यक्ष भारत केसरी राज सिंह व अन्य पदाधिकारियों ने पटका पहनाया और गुर्ज के साथ 11,000 रूपए का इनाम देकर सम्मानित किया। आज के दंगल में लगभग 125 कुश्तियां करवाई गई। गुरु तेज सिंह अखाड़ा बुद्ध विहार के संजय ने सोनीपत के सेठी को हराकर फाइनल मुकाबले में जीत हासिल की और 11,000 का नगद इनाम प्राप्त किया। न्यूज़ फोर सिटी में आपका स्वागत है। इस वक्त हम गुरु मुन्नी अखाड़ा में हैं, जो दिल्ली का काफ़ी प्रसिद्ध अखाड़ा है और लगभग 100 वर्ष पुराना है। यहाँ पे मासिक दंगलों की परंपरा दिल्ली रेसलिंग एसोसिएशन, जिसके अध्यक्ष राज सिंह जी हैं, उनके द्वारा कोरोना के बाद दोबारा से की गई है। और मासिक दंगलों का एक अपना महत्व है, जो कुश्ती के लिए पौध तैयार करती हैं, यानी कि एक नर्सरी जो कल्चर है वो बना के माहौल तैयार करती है। उसके बाद ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो पहलवान हैं वो तैयार होते हैं। पहलवान राज सिंह जी खुद एक अंतर्राष्ट्रीय पहलवान रहे हैं और भारत केसरी इन्होंने तमाम तरह के इन्होंने दंगल काफ़ी जीते हैं। इनसे जानते हैं कि ये मासिक दंगल परंपरा है कैसे आगे बढ़ेगा और क्या कुछ इनकी गतिविधियाँ आगे हो रही। पहलवान जी, हमने दंगल फिर स्टार्ट कराया है। कोरोना के बाद में दंगल के नाम बंद हो गए थे, उसके बाद में फिर यहाँ गुरु मुन्नी अखाड़े पर दंगल चालू कराया। छोटी प्यौध के लिए हम दंगल के लिए तैयार कर रहे हैं। हम जितनी के नाम है छोटी प्यौध को हम बढ़ावा देंगे, उतने दंगल ज़्यादा है ज़्यादा सारे का दंगल और खोलेंगे। नहीं, हम अपने हिसाब से बच्चों ने जैसे जैसे बच्चे लड़ेंगे हम उसी हिसाब से इनाम देते रहेंगे, कोई अभी फिक्स नहीं है। 115-120 साल के करीब ये अखाड़ा हो गया पुराना और हम दिल्ली रेसलिंग एसोसिएशन के तत्वावधान में बहुत सारे दंगल कराए। गुरु मुन्नी गोल्ड कप होता है, जिसके अंदर बजरंग पुनिया भी यहाँ लड़के गया, रविंदर दजिया भी, बड़े बड़े पहलवान, और हमारे जो राज सिंह अध्यक्ष दिल्ली रेसलिंग एसोसिएशन के, इन्होंने हिम्मत करके कोरोना काल के बाद अब दोबारा से स्टार्ट किया। हम इनका बहुत 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 दिल से आभार करते हैं। और हमारे विधायक जी आए हैं, विशेष रवि जी, वो भी आगे दंगल में, मतलब काफ़ी उनको अच्छा लगा। उन्होंने भी कहा अब मेरे लिए जो भी दिल्ली सरकार से मदद होगी मैं आपकी मदद करूँगा। हम अपने विधायक जी से भी बहुत खुश हैं और राज सिंह जो हमारे दिल्ली रेसलिंग एसोसिएशन, इनसे हम बहुत, क्योंकि इन्होंने 3.5 साल के बाद इस दंगल को दोबारा शुरुआत किया। हम इस उनका बहुत धन्यवाद करते हैं दिल से। विधायक जी ने जो आश्वासन दिया, आप कितना मानते हैं? हम बहुत मानते हैं आश्वासन के लिए, तो क्या नाम है, सब सौदा टेक क्या हुआ आश्वासन के लिए, तो हम बहुत मानते हैं। उम्मीद है कुछ काम होंगे, काम होंगे। अखाड़े का दंगल जीता और सबसे बड़ी कुश्ती आपने जीती, कैसा लग रहा है और कौन से अखाड़े से आप? मैं गुरु तेज सिंह अखाड़े से हूँ और जो अपना बुद्ध विहार में है और जो हमारी प्रैक्टिस है, जो मेरा जो खाने पीने राइट देते हैं संदीप नागर साहब देते हैं। और मैं 10-12 साल का था जब तक गुरु जी के पास लड़ रहा हूँ और आज लड़ते लड़ते मैं 20 साल हो गए। आज तक ना तो कोई दंगल पक्षपात हुआ है, कोई बच्चा यहाँ से नाराज नहीं जाता जी। कोरोना के बाद ये दोबारा दंगल चालू हुआ है, बड़ी खुशी की बात है। इस तरह जो मिट्टी की कुश्ती खत्म हो रही थी वो दोबारा उसको जीवित कर रहे हैं। भाई गुरु जी का बार बार धन्यवाद है, गुरु मुनि जी का आशीर्वाद है जी। इन्होंने दंगल को दोबारा जीवित कर दिया, वरना जो मिट्टी खत्म हो गई थी कुश्ती बिल्कुल। राज सिंह जी बच्चे बड़ी तारीफ कर रहे हैं और जो जंतर मंतर में कुश्ती लड़ी गई, देखो वो तो एक दूसरा हिसाब किताब था। हम तो अपनी मिट्टी के हिसाब से हम चल रहे हैं। हम बच्चों का कहना भविष्य आगे ले जाएंगे और बच्चों के जितना जो होगा हम तन मन धन से हम बच्चों के लिए कर रहे हैं। दोबारा से अखाड़ों में बच्चों को लाने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा। और क्या नाम, हम तो एक 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 फ़ोन करते हैं सब बच्चे आ जाते हैं, यहाँ से कोई नाराज़ होकर नहीं जाता है। इस भूमि से, गुरु के मुन्नी की भूमि से, यहाँ से कोई नाराज़ होकर नहीं जाता यहाँ से बच्चा। आज कम से कम 150 जोड़ों का फैसला हुआ, 100 रुपये से लेकर 11,000 रुपये तक की कुश्ती हुई है। तो हमारा तो यही आश्वासन है, बच्चों को काफ़ी मशक्कत करके ला रहे हैं कि भाई जो बीच में विश्वास ख़राब हुआ बच्चों का, अखाड़ों से जो मैटर चल रहा था अखाड़ों से बाहर, तो उसको भी सुलटाने का काफ़ी प्रयत्न कर रहे हैं और बच्चों को दोबारा लाने के अभिभावकों के पास जाकर काफ़ी मशक्कत कर रहे हैं। बढ़िया कुश्ती कराई है, स्टार्टिंग छोटे बच्चों की 100 रुपये की हमने है ना 30-35 कुश्तियाँ कराई है, 200-200 रुपये की हमने 30 कुश्तियाँ कराई है, 500-500 की हमने 8 कुश्तियाँ कराई है, 1100-1100 की 5 कुश्तियाँ कराई है, 2100 की 4 कुश्तियाँ कराई है, 5100 की 2 कुश्तियाँ कराई है, 11,000 की गुर्ज पट्टा ये बनाया लड़का, ये हमने 11,000 रुपये कराई है। संजय को बनाया है, तेज सिंह अखाड़े थे ये अपना ही चेला है संजय, ये गुरु तेज सिंह अखाड़े से है और इसकी 11,000 रुपये कुश्ती हुई है, उन्होंने बिल्कुल जीत करके कुश्ती जीती है। अगला जो दंगल है वो 11 नवंबर को दंगल होएगा,
वो दंगल में सभी उस्ताद खलीफा सभी आएंगे, सभी बच्चे आएंगे और सभी की कुश्ती कराई जाएगी। ये जसबीर जी की याद में दंगल कराया जाएगा। जसबीर खलीफा अखाड़ा चलाते थे, खलीफा थे गुरु मुन्नी अखाड़े के अंदर, उनका देहांत हो गया था पिछले साल, तो उन्हीं की याद में हमने 11 नवंबर का फिर दंगल रखा है। ये इसलिए रखा है ताकि जो नए बच्चे हैं, नई प्योद है, इनको ये पता लगे उस्ताद खलीफाओं की इज्जत क्या होती है। उनकी इज्जत के लिए हमने खलीफा जी की प्रथम पुण्यतिथि पर एक दंगल और रख दिया है। इसका पहलवानों में मैसेज आएगा, बच्चों को पता लगेगा उस्ताद की, कोचों की इज्जत का, गुरुओं की इज्जत का। तो उस परंपरा को बरकरार रखने के लिए हमने उनकी याद में दंगल रखा गया 11 नवंबर का। मैं ना तो पहलवान हूँ, लेकिन एक बार मैंने दंगल देखा तो मैं बता रहा हूँ गुरु जी, बता रहा हूँ, दंगल देखा मुझे बड़ा अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई दंगल देख के। उसी को चलते हुए मैंने अपने दोनों बच्चों को भी दंगल में कुश्तियाँ लड़वाने चालू किया गुरु जी की। उसमें गुरु जी ने मेरा शौक पिछाना, मुझे अपने से जोड़ा और आज मैं दिल्ली कुश्ती संघ के अंदर पदाधिकारी हूँ। तो मैं गुरु जी की मानता हूँ, मैं पहलवान ना होकर भी मेरे शौक की वजह से मेरे को उन्होंने अपने साथ जोड़ा, कुश्ती की सेवा में लग गई। ये थे राज सिंह जी पहलवान जी, जो दिल्ली रेसलिंग एसोसिएशन का जो प्रतिनिधित्व करते हैं और अखाड़ों की कुश्ती को प्रमोट करने में काफ़ी अरसे से लगे हुए हैं। खुद भी मिट्टी के पहलवान रहे और मिट्टी की कुश्ती को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं।